इंदौर से करीब 100 किलोमीटर दूर घाट नीचे के नाम से पहचाने जाने वाले इलाके का गांव चंद्रपुरा। यह गांव राम रहीम किसान उत्पादक संगठन से जुड़े करीब 2600 किसानों का एक शुरुआती केंद्र रहा और इसी गांव की कुछ महिला किसानों ने मिलकर समाज प्रगति सहयोग नाम के एक एनजीओ की मदद से अपने एफपीओ का गठन किया। लेकिन करीब 3 साल पहले शुरू हुई इस कहानी का आगाज आसान नहीं था। फिर 11-12 साल से हम जुड़िया तो कि भैया समूह जुड़े, बाहर का लोग आया था, समूह जोड़े। हमने मना कर दी, भैया बाहर का लोग पैसा खा जाए, गरीब लोग पहले 1-1 रुपये भेड़ो करा और ये लोग लेके भाग जाएगा। हमने समूह मना कर दी। फिर हमारा गांव का रूप सिंह नाम का लड़का है, उनने समूह बनाई तो हमने 7 बहनें समूह जुड़ी कि भैया हम समूह में लाभ मिलेगा। तो कि भैया हाँ लाभ मिलेगा भाई, समूह में जुड़ो। माल नहीं खरीदता था समूह में, बनिया का देता था। बनिया है तो वो माल को उनको मन मर्जी को भाव तो तोल में भी मारेगा, भाव में भी मारेगा और पैसा भी नहीं दे सही ढंग से। आज दे देगा 200, 500, 600 ऐसा करके हमको पूर्ति नहीं होती थी, उनसे कर्जा ही नहीं फिट होता था। वहाँ से फिर हमने की कि भैया समूह में माल खरीदे तो उनसे बोलो कि हम माल इकट्ठा करके देंगे सभी भाई लोग। और जब कारवां निकला तो फिर बढ़ता ही गया। राधाबाई और दीनाबाई ने अपने घरों से निकलकर दूसरी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और फिर 2-3 बीघे की औसत जोत वाले किसानों ने एफपीओ के साथ मिलकर बुआई से लेकर फसल बेचने तक की व्यवस्था विकसित की। धीरे धीरे जब गांव के लोगों का खेती पर भरोसा जमा तो गांव में वो लोग भी लौटने लगे जो कर्ज के बोझ से दबे शहरों में कमाई करने चले गए थे। कर्जा हो गया था, माते तो बाहर गया था नौकरी कर रहा, फिर वहाँ से कर्जा नहीं चुका, 2-3 साल बाहर कर नहीं चुका, फिर बेचा खेत में आया। समझ सब बीज मिल जाता सर, पैसे मिल जाता और वही पैसे से खेती कर लेते, खेती का माल सब टोटल ये खरीद लेते समूह वाले। राम रहीम प्रोड्यूसर कंपनी ने किसानों को अच्छा बीज दिलाया, सस्ता कर्ज दिलाया और सबसे बड़ी बात किसानों को उनकी फसल की बेहतर कीमत दिलाने के लिए आधुनिक तकनीक से परिचित कराया। किसानों को ये भी बताया कि कमोडिटी एक्सचेंज के फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कैसे ज्यादा कमाई की जा सकती है। यहाँ जुड़े किसानों को मंडी के झंझट से मुक्ति मिली। 2-3 साल में फसल की कीमत 1.5 गुना ज्यादा मिलने लगी, आमदनी बढ़ी तो किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार आया। समूह से जुड़े तो उसमें हमको मतलब कंपनी से ये समूह से मतलब थोड़ा लोन भी वगैरह मतलब बढ़ता रहा तो हमारा रोटेशन उससे चलता रहे, आगे बढ़ते रहे। तो फिर हमने गाड़ी खरीद ली, फिर टीवी भी ले ली है, तो ऐसे मतलब चल रहा हमारा। इस समूह से जुड़े जब से काफ़ी फायदा हो गया और माल में भी कुछ बहुत सा फर्क पड़ गया। जैसा 2500 का जा रहा था अब 3000 का मिल रहा हमको। पहले बनिया को देता था सेठ साहूकार, भाव कम लेते थे बनिए, और अब समूह में जुड़ा जब से हम समूह में देने लगा कंपनी में तो हमको फायदा अच्छा मिल रहा है। मतलब भाव पर के 29 का सोयाबीन बिकिया तो हमको 8 रोज बाद भाव बढ़ गया तो हमको 50 रुपये बोनस दी कंपनी ने। खैर साहब मैंने ट्यूबवेल लगा ली, बिजली कनेक्शन करवा ली, समूह में जुड़ने बाद ये काम करा मैंने नया। एफपीओ के तहत जो कंपनी बनती है उसमें किसान ही हिस्सेदार होते हैं और इसलिए जब संगठन किसानों से माल खरीदकर गोदाम में रखता है तो बाद में दाम बढ़ने पर ये माल बेचा जाता है। तो बढ़ा हुआ मुनाफा जो पहले बिचौलियों या ट्रेडरों की भीड़ चढ़ जाता था वो यहाँ बोनस के तौर पर सदस्य किसानों के हिस्से आता है। कंपनी बनाने से हम ही अध्यक्ष सचिव जाते थे भाव करने, जिसका अच्छा सोयाबीन उसका 3000, हल्का 3 भाव था मेरा, 1 नंबर 2 नंबर जैसा भाव था, तो वो जैसा सोयाबीन वैसा ही भाव करते थे 2000, 2500, 3000। तो वो मंडी का पहले हम मंडी का भाव नहीं ले पाते थे, अरे कंपनी बढ़ने से हम भाव मंडी का भाव हमको घर ही मिल जाता है। सरकारी नियमों के तहत हर एफपीओ किसी एक गैर सरकारी संगठन से संबद्ध होता है ताकि उसे तकनीकी मदद मिलती रहे। समाज प्रगति सहयोग की ओर से राम रहीम प्रोड्यूसर कंपनी में अकाउंटिंग और बिजनेस विभाग का कामकाज देखने वाले राघव ने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद मुंबई की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम किया और फिर एनजीओ से जुड़े। खेती संबंधित जो वैल्यू है वो खासकर किसान नहीं कंट्रोल करता है, जो पर रिस्क जो ले रहा है वो किसान है, पर वैल्यू जो मिल रहा है वो कहीं और है।
तो हम बेसिकली ये वैल्यू और रिस्क इम्बैलेंस को ठीक कराने के लिए हमने ये कंपनी का एक मकसद है। किसान भी अभी मंडी जा पा रहा है, कंपनी भी किसान से लेके मंडी तक ही जा पा रहा है, तो कंपनी का मतलब मकसद बहुत अच्छा था, पर कंपनी एक इंटरमीडियरी बन गया किसान और मंडी के बीच। तो जब अक्टूबर 2014 में एग्रिम सौदा के बारे में हमने मतलब पता किया, इससे पहले ही हमने एफएमसी से और एसफैक के थ्रू हमने एफपीसी को भी एनसीडीएक्स में जुड़ाव करने के लिए हम ऑलमोस्ट एक साल से बात कर रहे थे। तो जब एग्रिम सौदा के बारे में बात किया तो शायद हम पहली कंपनी होगा जो मतलब एनसीडीएक्स फॉरवर्ड्स में हम मतलब रजिस्टर हुए। पूरा हमने क्या किया कि गांव लेवल पे ही क्वालिटी और ग्रेडिंग को कंट्रोल करके हम गांव से सीधा मतलब मंडी नहीं पर फॉरवर्ड्स मार्केट के थ्रू जहां पर भी हम इसको दे मतलब डिलीवरी होना है वहां पर हम दे पा रहे हैं, और इससे ऑलमोस्ट पर यूनिट पे प्राइस भी ज़्यादा मिल रहा है और जो कॉस्ट भी इंक्लूडिंग कमीशन कॉस्ट वो भी कम हो रहा है। तो ये बहुत ही मतलब एक पोटेंशियल इसका बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि क्या हमने एपीएमसी को गांव में लेके आ गया, तो एक किसान और बायर के दोनों के बीच एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हम डाल दें जिसमें प्राइस डिस्कवरी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, और राम रहीम ने फ्यूचर्स भी में भी एक पार्टिसिपेंट है जिसके थ्रू हम हेजिंग कर पा रहे हैं। किसानों को उपज की बेहतर कीमत दिलाने के लिए एफपीओ मुख्य तौर पर दो रणनीति अपनाता है, पहली खर्च में कमी करना और दूसरी किसानों की फसल पर अधिकतम भाव हासिल करना। इसके लिए कंपनी कटाई से पहले हर सदस्य किसान के घर जाकर सर्वे करती है ताकि संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके। ये सर्वे हम इसलिए करते हैं कि इससे हमको एक मोटा मोटा अंदाज लग जाता है कि बारदाने की आवश्यकता कितनी होगी, कांटे या सुवा सुतले की या स्टेशनरी कितने की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, इसलिए हम पहले से ही अंदाज लगाते हैं हम मालों की कितनी व्यवस्था लगेगी। बेयर हाउस में रखने के लिए मतलब बेयर हाउस में भी हमको बात करना पड़ेगी कि हमारा इस साल इतना माल हम बेयर हाउस में रखेंगे, तो इसके लिए भी ये मतलब संग्रहण से पहले हम तैयारी करते हैं ताकि ये कम से कम खर्चा हो, मतलब अधिक जैसे ज़्यादा बारदान खरीद लेंगे तो वेस्टेज खर्चा हो जाएगा, तो इसलिए हम ये एक महीने पहले सर्वे करते हैं ताकि समूह की महिलाओं कंपनी का कम से कम खर्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम महिलाओं को फायदा दिला सके। कृषि कार्यक्रम में एनपीएम के ऊपर काम कर रहे हैं। एनपीएम का मतलब ये है कि बिना रासायनिक दवा के खेती करना। राम रहीम कंपनी का माल तुल जाता है खरीदी केंद्र में, उसके बाद में वहाँ दो वेराइटी मिलती है अपने को, एक तो अच्छी वाली वेराइटी और एक कचरा और मिट्टी जिसमें होता है। तो अच्छी वाली जो सोयाबीन होती है उसको हम सीधा वेयर हाउस में रख देते हैं, और जो कचरा मिट्टी वाली सोयाबीन है उसको हम यहाँ नीमखेड़ा केंद्र पे इकट्ठा करते हैं। यहाँ इकट्ठा करने के बाद में उसका ग्रेडिंग किया जाता है मशीन से, मजदूरों द्वारा ग्रेडिंग करते हैं उससे कि वो साफ हो जाता है, वो साफ माल हो जाता है। वो साफ इसलिए हम करते हैं कि ताकि किसानों को अच्छा भाव मिल पाए। तो वो जैसे 3000 की सोयाबीन है उसको अगर ग्रेडिंग अपन करते हैं तो 3400 रुपए तक वो सोयाबीन बिक जाएगी। एफपीओ किसानों के हाथ में खेती के हर चरण के लिए तकनीक, जानकारी और संसाधनों की वह सुविधा मुहैया कराते हैं जो अमूमन किसी एक छोटे किसान के लिए जुटा पाना लगभग असंभव होता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के बागड़ी और नीमखेड़ा इलाकों के करीब 200 गांवों में फैले 2600 किसानों का यह समूह जो उपलब्धियां हासिल कर रहा है वो देश के किसी दूसरे हिस्से के किसानों के लिए भी एक नजीर बन सकता है। किसानों के लिए अच्छी फसल पैदा करना एक चुनौती है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी चुनौती है उस फसल के लिए एक अच्छा बाजार हासिल करना, उस फसल के लिए अच्छा भाव हासिल करना। ऐसे में एफपीसी यानी बहुत सारे किसानों का एक साथ आकर एक कंपनी बनाना और कंपनी के तौर पर अपनी फसल का मोल भाव करना एक नया कंसेप्ट है जिससे उम्मीद की एक किरण जगी है। और इस कहानी में हम आपको ये बता चुके हैं कि किस तरह इस फॉर्मूले से मुनाफे की नई उम्मीद जग सकती है, मुनाफे का नया फॉर्मूला खड़ा हो सकता है। मंडी.com के लिए मध्य प्रदेश में बागली से भुवन भास्कर।